दुनिया के हर देश में खान पान अलग अलग और अलग अलग तौर तरीके हैं खाने पीने के। लगभग पूरी दुनिया में नॉनवेज खाया जाता है, परंतु हर जगह के अपने नियम हैं। बहुत सारी जगह नॉनवेज खाया जाता है, परंतु जिस जानवर को खाया जाता है उसे मृत अवस्था में ही खाया जाता है, या फिर उस जानवर को इस तरह से काटा जाता है कि उसको तकलीफ कम से कम हो। लेकिन आज हम बात करेंगे चीन की, जो कि अब बहुत ही बड़ी बीमारी यानी कोरोना वायरस को जन्म देने वाला देश है। और इसके पीछे की वजह बहुत सारे लोग जानते हैं कि चीन में जिंदा जानवरों को खाया जाना भी इसका एक कारण है। चीन एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा जिंदा जानवरों को खाया जाता है। यहां पर खाने पीने पर खास ध्यान दिया जाता है। चीन के लोग जिंदा जानवर खाने के शौकीन हैं। यहां हम कुछ ऐसे ही जानवर के बारे में बता रहे हैं जिन्हें डिश के तौर पर जिंदा ही परोसा जाता है। नंबर एक, ऑयस्टर यानी कि घोंगा। ऐसे जानवरों में से एक है जिसे चीन के साथ साथ पश्चिमी देशों में भी कच्चा या जिंदा ही परोसा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मरने के बाद बहुत तेजी से खराब होने लगता है। घोंगा को शैल से निकालते ही ये खराब होने लगता है। नंबर दो, जिंदा झींगा। चीन की पॉपुलर डिश जूशिया को ड्रिंकन श्रिम्प के नाम से जाना जाता है। ये चीन के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स के भी कुछ चाइनीज रेस्टोरेंट में मिल जाएगी। इसमें झींगे को शराब में डुबोकर खाया जाता है। वह बार बार बाहर निकलने के लिए उछल कूद करता रहता है और ग्राहक उन्हें पकड़ते रहते हैं, जिसके बाद उसे खाना ज्यादा आसान हो जाता है। इसमें झींगा तब मरता है जब उसे चबाया जाता है। इस स्वादिष्ट व्यंजनों को चीन का अलग अलग हिस्से में उपयोग किया जाता है। यह डिश काफी महंगी है क्योंकि यह जिंदा सर्व किया जाता है। हालांकि इस डिश को चीन में प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन अभी भी यह आसानी से मिल जाती है। नंबर तीन, मृत और जिंदा फिश। चीन में दूसरा पॉपुलर जिंदा खाया जाने वाला जानवर मृत या जिंदा फिश है। इससे बनाने वाली इस डिश को यिंग यांग यू के नाम से जाना जाता है। इसमें फिश को ऐसे डीप फ्राई किया जाता है जिसमें इसका सिर तेल में ना डूबे। ऐसे में यह फिश फ्रेश और जिंदा रहती है। इसे इतनी जल्दी बनाया जाता है कि मछली के अंदरूनी अंगों को नुकसान न पहुंचे और वो 30 मिनट तक जिंदा रहे। यह डिश मीठे या खट्टे सॉस के साथ खाई जाती है। नंबर चार, सांप। जिंदा सांप से बनी डिशेज चाइनीज शेफ की खासियत है। इस डिश को भी बड़ी तेजी से बनाया जाता है ताकि इसे जिंदा खाया जा सके। शेफ को सिर अलग कर सांप की स्किन और आंतें निकालनी होती हैं। उसके बाद सांप का ताजा और कच्चा मीट परोसा जाता है। नंबर पांच, जिंदा ताजा गधा। चीन में जिंदा और फ्रेश गधे को हुओ जियोलू डिश के नाम से जाना जाता है। इसके लिए गधे के हाथ पैर बांधकर जिंदा बॉडी पार्ट को काट दिया जाता है। इसके बाद तुरंत इसका कच्चा मीट कस्टमर को परोसा जाता है। हालांकि चीन के हैनान और हुबई में सरकार ने इसे बैन कर दिया है। नंबर छह, बंदर का कच्चा ब्रेन। चीन में जिंदा बंदर के ब्रेन स्पेशल और महंगी डिश में से एक है। इसका टेस्ट लेना सिर्फ रईस लोगों के बस की बात है। कई लोग तो इस डिश का ऑर्डर अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए ही करते हैं। इसके खराब टेस्ट के चलते इसकी सिंगल बाइट चबाना भी हर किसी के बस की बात नहीं। हालांकि चीन में यह डिश अब बैन हो चुकी है, लेकिन गुआंगडोंग प्रोविंस में अभी भी कई जगह मिल जाती है। नंबर सात, चूहे के बच्चे। चूहे के नवजात बच्चे चीन में सबसे ज्यादा बिकने वाली डिश में से एक है। कस्टमर को यह चॉपस्टिक और स्पाइसी सॉस के साथ सर्व की जाती है। इस डिश को थ्री स्क्वीज बेबीज के नाम से जाना जाता है। इसे खाने का तरीका भी अजीब है। पहली बार में इसे चॉपस्टिक से एक ही झटके में खा लिया जाता है। इसके बाद सॉस के साथ खाया जाता है। यह डिश भी अब चाइना में बैन है, लेकिन फिर भी कई जगह इसे देखा जा सकता है। नंबर आठ, बतख का जिंदा भ्रूण। बतख के भ्रूण से बनी डिश चीन के नॉनजियांग में बहुत पॉपुलर है। इसे जिंदा ही उबाला जाता है। आमतौर पर उबाला हुआ बतख का भ्रूण ही होता है। इसे चीन में बहुत चाव से खाया जाता है। ये डिश फिलीपींस में भी खाई जाती है और यहां इसे बालूत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी चीन में खाए जाने वाले जिंदा जानवर। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।